Two bodies A and B of masses 10 kg and 5 kg are placed very slightly separated as shown in figure. The coefficient of friction between the floor and the blocks is mu equal to 0.4. Block A is pushed by an external force F. The value of F can be changed when the wielding between block A and the ground breaks. Block A will start pressing the block B, and when wielding of B also breaks, block B will start pressing the vertical wall. ठीक है, तो बेसिकली देखो ब्लॉक ए और बी के बीच में एक छोटा सा गैप है और ब्लॉक बी और इस वॉल के बीच में एक छोटा सा गैप है. अब तुम्हारा क्या है कि एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है ब्लॉक ए पे. ठीक है, ब्लॉक ए पे. और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, तो बेसिकली पहला क्वेश्चन कि इफ एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन विथ हाउ मच फोर्स डज ब्लॉक ए प्रेस ब्लॉक बी. ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि तुम्हारा ये हो गया ग्राउंड. ठीक है, यहाँ पे हो गया तुम्हारा सलो ब्लॉक ए. ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो ये तुम्हारा हो गया ब्लॉक बी और यहाँ पे हो गया ऐसे करके वर्टिकल वॉल. ठीक है, इसका मास तुम्हारा 10 केजी है, तो इस डायरेक्शन में तुम्हारा कितना हो गया 100 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है. इसका मास 5 केजी है, तो इसका तुम्हारा इस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है 50 न्यूटन. कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन तुम्हारा कितना है 0.4. तो बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर ब्लॉक ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 40 न्यूटन, और इस पे जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर ब्लॉक बी दैट विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन. ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स एफ तुम्हारा ए पे अप्लाई किया जा रहा है. ठीक है, तो जब ए का वैल्यू मतलब एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन. ठीक है, पहले क्वेश्चन के लिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा. तो फॉर फर्स्ट पार्ट जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ वेरी मच लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, तो हम 20 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं पर लिमिटिंग वैल्यू 40 न्यूटन है. ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ए जो है ये अपने जगह से मूव करेगा नहीं, तो ए जो है वो बी को टच नहीं करेगा, तो बेसिकली तुम्हारा हो गया जीरो. नाउ व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट बी कैन प्रेस द वर्टिकल वॉल. ठीक है, तो तुम्हारा बी को वर्टिकल वॉल में प्रेस करने के लिए एफ शुड ओवरकम लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू फॉर ए एंड बी. ठीक है, तो दोनों का लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू कितना था तुम्हारा 40 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन. तो एफ जो का मतलब एक्सटर्नल फोर्स का मिनिमम जो तुम्हारा फोर्स का वैल्यू दैट शुड बी इक्वल टू 60 न्यूटन सो दैट ब्लॉक बी प्रेसेस अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल. तो 60 न्यूटन. If F is equal to 50 Newton, the friction force acting between block B and ground will be. तो अब देखो ये तुम्हारा हो गया block A, ये तुम्हारा हो गया block A. तो देखो इसको अब क्या किया गया, इसको तुम्हारा 50 Newton force के साथ press कर रहे हैं. ठीक है, अब इसका जो limiting value था वो तुम्हारा कितना था, basically तुम्हारा 40 Newton है और kinetic friction का value कुछ दिया नहीं है, तो हम friction 40 Newton ही मान रहे हैं. तो बेसिकली ये इस पे तुम्हारा इस डायरेक्शन में नेट एक तुम्हारा 10 न्यूटन फोर्स बच गया. देखो 50 माइनस 40 10 न्यूटन. तो ब्लॉक ए जो है वो ब्लॉक बी को क्या कर रहा है 10 न्यूटन फोर्स के साथ प्रेस कर रहा है. ठीक है, ब्लॉक ए जो है ये ब्लॉक ए जो है ब्लॉक बी को 10 न्यूटन फोर्स के साथ मतलब पुश कर रहा है. ठीक है, तो ब्लॉक बी पे क्या है इस डायरेक्शन में तुम्हारा 10 न्यूटन फोर्स आ रहा है अब इसके वजह से. तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया एन इन दोनों के कॉन्टैक्ट के बीच में. ठीक है, तो खैर तो बेसिकली ब्लॉक बी पे तुम्हारा 10 न्यूटन इस तरफ में जा रहा है. ठीक है, तो ग्राउंड क्या करेगा, ग्राउंड इस पे तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में कितना करेगा 10 न्यूटन, क्योंकि तुम्हारा इसका लिमिटिंग वैल्यू 20 न्यूटन है. 10 न्यूटन इज लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू फॉर फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी. तो ग्राउंड इस पे तुम्हारा 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसका रिएक्शन तुम्हारा ग्राउंड पे लगेगा इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन.
ठीक है, तो 10 न्यूटन ये हो गया। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन बी वेरीज विद अप्लाइड फोर्स अकॉर्डिंग टू कर्व। ठीक है, तो यहां पे तो बेसिकली क्या है कि एफ का वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन बी। ठीक है, तो सबसे पहले बी पे तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स तभी ऐड करेगा जब बी पे तुम्हारा फोर्स लगेगा। ठीक है, और बी पे फोर्स लगने के लिए ए को अपना जगह छोड़ करके यहाँ पे आके प्रेस करेगा, तभी जा करके बी पे फोर्स लगेगा। तो ए को अपना ये जगह छोड़ने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए? 40 न्यूटन। मतलब 0 से लेकर के 40 न्यूटन तक तुम्हारा कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो फ्रॉम 40 न्यूटन क्या होगा, ब्लॉक ए जो है वो मूव करके ब्लॉक बी को टच करेगा। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके धीरे धीरे करके जब ऐसे करके बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा 40 न्यूटन में जस्ट इसको टच कर रहा है। और फिर इसका लिमिटिंग वैल्यू 20 न्यूटन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके बढ़ते हुए जब इस पे तुम्हारा नेट 20 न्यूटन आ जाएगा, उसके बाद फिर हम जितना भी बढ़ा लें तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स जो है वो तुम्हारा कॉन्स्टेंटली वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 40 न्यूटन, और ये तुम्हारा हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 60 न्यूटन। ठीक है, ये तुम्हारा फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन बी, और यहाँ पे तुम्हारा ये एक्सटर्नल फोर्स। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शंस हैं सिलसिलेवार तरीके से, पहले का डी, दूसरे का तुम्हारा हो गया सी, तीसरे का हो गया ए, और लास्ट फाइनली फोर्थ वाले का हो गया तुम्हारा बी। दीज आर दी करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम।